सो फाइनली अंदर किले के, और एक अच्छी चीज़ है आपसे शेयर करता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दो टिकट है, एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये जो दिखा है इसमें 25 रुपीज़ इसका प्राइस है, और ये टिकट है पर्सन्स के लिए, एंट्री फ़ी के लिए है। और जस्ट सेकंड पे मेरे पास एक टिकट और है जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप वीडियो कैमरा लेके जाते हैं तो ये वीडियो कैमरा शुल्क आपको 25 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो चीज़ें कुछ इस प्रकार से हैं। तो हिस्ट्री में थोड़ा अपना हिस्ट्री तो क्या है, उतना अच्छा नहीं है। जैसे अभी एक जन से मैंने बात किया था और उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि सर अभी ये जो जगह आप आए हो, ये जगह जो है, ये जगह है जामा मस्जिद के नाम से फेमस है, जामा मस्जिद बोलते हैं। और फिर इसके बाद रानी रूपमती का महल, इंडलकल महल और पता नहीं कौन कौन से महल हैं, वो सारी चीज़ें अभी अपन धीरे धीरे कवर करेंगे। और मांडव कहा जाता है कि ये धार डिस्ट्रिक्ट में एक मांडवगढ़ का जो कश्मीर बोला जाता है, ऐसा मतलब हिस्ट्री है यहाँ का। और ये मौसम जो होता है काफ़ी अच्छा है, रेनी सीज़न में आप काफ़ी अच्छा सफ़र कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क रहता है बाई रोड, लेकिन काफ़ी अच्छा आप चीज़ें कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं अभी आगे और क्या क्या है। कहा था ना धार का कश्मीर है ये, मांडवगढ़ का कश्मीर, पूरा फॉग आ गया है, देखो पीछे पूरा फॉग, किला पूरा फॉग में डूबने को है। ये तो सिर्फ अभी एक जामा मस्जिद था जैसा कि मुझे एक फ़ोटोग्राफ़र ने बताया, इसके बाद अभी 3-4 किले और हैं, वो सारी चीज़ अभी एक्सप्लोर करना है। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, तब जाके वहाँ पहुँचेंगे। मेरे पीछे जो अभी आप देख रहे हो ये जामा मस्जिद है मांडवगढ़ का, और ये जिस जगह पे आप देख रहे हो जस्ट मेरे पीछे बैक पे, पूरा मार्बल का बना हुआ है ये, और इसे ताजमहल कहा जाता है यहाँ का। तो काफ़ी अच्छा था, अंदर पे मकबरे वगैरह बने हुए हैं, और एक जन ने यहाँ पे अजान पढ़ी और इतनी प्यारी आवाज़ में अजान पढ़ी कि काफ़ी अच्छा लगा वो चीज़ देख के, काफ़ी अच्छा, मतलब इतना प्यारा आवाज़ अंदर, साउंड जो है वो सराउंडेड हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा चीज़ें देख के।
का मकबरा और जामा मस्जिद, ये दो चीज़ें अपन ने एक्सप्लोर कर लिया, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी एशियन समय के बने हुए सारी चीज़ें हैं और अंदर का एटमोसफेयर वगैरह वेदर इस समय जो है ना काफ़ी प्यारा। और आज के दिन फेस्टिवल है रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे दोनों, तो काफ़ी ज़्यादा रश भी है आज के दिन, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में। आप देख सकते हैं मार्केट में कंटिन्यूस रश है, थोड़ा सा भी नहीं है। और इसके बाद जस्ट अपन एंट्री कर रहे हैं अशरफी महल में। ऊपर मांडव गढ़ और साथ में कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, अच्छा है। यूट्यूब पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा है, इसी प्रकार एक्सप्लोर करते रहो, नए नए लोगों से मिलते चलो। और बस मध्य प्रदेश इसलिए फेमस है, हिंदुस्तान का दिल इसीलिए एमपी को कहा जाता है। सो वी आर प्राउड ऑफ द मध्य प्रदेश एंड इंडिया टू। तो अब हम निकले हैं काकड़ा खो के लिए। काकड़ा को 6 किलोमीटर आगे, यहाँ जहाँ अभी मैं जामी मस्जिद के पास था वहाँ से 6 किलोमीटर आगे एक वाटरफॉल है, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। और अभी जो पीछे हमने एक्सप्लोर किया था काफ़ी अच्छी जगह थी, जामी मस्जिद हो गया, वहाँ अशरफी महल हो गया, ताजमहल, हुसैन शाह का मकबरा जो हुसैन शाह टॉम था, वो काफ़ी अच्छा लगा चीज़ें घूम के। साथ ही साथ कुछ फैन फॉलोइंग्स भी मिल गए जिनके साथ सेल्फी और वीडियोज़ लिए, तो वो चीज़ें भी इसके साथ अगर होती रहे तो फिर उसके तो मज़े ही कुछ और हैं। फटाफट वहाँ पहुँचते हैं वाटरफॉल पर, देखते हैं कि इस बारिश के सीज़न में क्या माहौल होता है वहाँ पर। एक नंबर मौसम, ये गाय, ये चरवाहे, क्या प्यारा मौसम बना हुआ है यार, मज़ा आ गया। ऐसे मौसम में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है। अब पता नहीं, मेरी किस्मत तो काफ़ी अच्छी है, पता नहीं भगवान इतनी हेल्प करता है, हर एक चीज़ में मदद कर रहा है, उस वजह से तो आज इतना कुछ घूमना फिरना हो पा रहा लाइफ में। ये देखो भाई साहब को सेल्फी ले रहे, बहुत खूब। रास्ते इतने प्यारे हैं, इतना ये है कि बस मन कर रहा है कि चलते चले जाओ। अमेजिंग प्लेस,
वहाँ के जो मकबरे थे और वहाँ का जो ताजमहल था और उसके साथ ही जो मस्जिद थी जामा मस्जिद, उसको एक्सप्लोर करने के बाद अभी जब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे काकड़ा को, एक ये वाटरफॉल है काफ़ी अच्छा है, बैकग्राउंड देख सकते हो काफ़ी प्यारा है। इस जगह का नाम है काकड़ा खो। वेल, सारा ट्रिप टूर हो चुका है, अब निकलता हूँ आगे। रूपमती का किला बाकी है और जहाज महल, ये दो चीज़ें बाकी हैं, इन दोनों को एक्सप्लोर करके फिर वापस। लोकेशन काफ़ी अच्छी है ये काकड़ा को, और सेम इसी तरीके की एक को और है, मतलब सेम वो वाटरफॉल है इंदौर से कुछ ही दूरी पे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। अगर वहाँ जाना हुआ तो ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग उसका रखूँगा अगर वहाँ पे सपोज़ जाना हुआ, क्योंकि वाटरफॉल्स वगैरह जो कुछ भी है वो घूमने का, यही मानसून का ही वेदर जो रहता है काफ़ी अच्छा रहता है। और ये देखिए क्या नाम है इनका, माधुरी नाम है। अच्छा घोड़ी है, घोड़ी है, हम तो सोचते हैं घोड़ा हुआ है। चलो अच्छा, सो काफ़ी अच्छा टूरिंग पर्पज से काफ़ी अच्छा एडवेंचर की चीज़ें कुछ थी, छोटा मोटा लेके खोला। और ये कितना प्यारा झरना आसपास, जहाज महल बहुत मुश्किल से करके आया, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम अभी जो है 6 बज चुका है और यहाँ का मेन एंट्रेंस जो रहता है वो इन लोग बंद कर रहा है। तो अभी तो क्या बताएं, मंदिर की बात है, मैंने कोई भी टिकट नहीं लिया है, बस सिक्योरिटी वाले से मैंने बोला कि भैया प्लीज़ मुझे 2 मिनट जाना है, देख लूँगा। तो उन्होंने कहा सर आप देख ही नहीं पाओगे, आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा आपको अंदर जाने में। तो बोला ठीक है देखता हूँ क्या, कैसे तैसे उनको मना के फिर अंदर आया हूँ जहाज महल में। सो हियर इज़ द लुक, काफ़ी बड़ा है मांडवगढ़, मांडू जो अपन कहते हैं मांडव नगर, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, और भी एक दो चीज़ें हैं, बट अभी ऑलमोस्ट 6 बज चुका है, 6 बजने के बाद सारी चीज़ें यहाँ पे बंद हो जाती हैं। तो पूरा दिन निकालना पड़ेगा यहाँ के लिए, अगर आपको टाइम देना है कभी आना है घूमने के लिए तो आपको पूरा समय देना पड़ेगा। और इवन मैं आज फेस्टिवल होने के कारण रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस, तो 12 बजे के बाद ही मैं रूम से निकला था, और उसके बाद मुझे आते आते भी थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा रुक रुक के आता था मैं भी, मौसम का कंडीशन थोड़ा सही नहीं इस समय, वेदर प्रॉपर है नहीं, तो इस वजह से थोड़ा चांस कम हो जाता आने का। हाय, चलते हैं नेक्स्ट टाइम व्हाट्स इनसाइड। जहाज महल काफ़ी बड़ा है, अगर ये सोचा जाए कि कुछ मिनट में घूम लें, आधे घंटे में घूम लें, इवन 1 घंटे में घूम लिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी बड़ा है। और
काफ़ी समय लग जाएगा इसे घूमने में। समय काफ़ी कम मिला, मतलब ऑलमोस्ट लेट हो गया था। अगर वो वाटरफॉल में नहीं जाता, वाटरफॉल नहीं जाने से मैं ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लोर कर लेता। तो अभी मैंने जो जामी दो नाम से वो प्रसिद्ध है, जामी मस्जिद और उसके जस्ट सामने जो ताजमहल था, तो ये चीज़ एक्सप्लोर किया। और उसके बाद फिर मैं वाटरफॉल गया। वाटरफॉल जाने के बाद अब मैं आया यहाँ जहाज महल। समय काफ़ी कम था लेकिन जितना देखने को मिला अच्छा था। इनकेस नेक्स्ट टाइम कभी कुछ मिला आने का तो बिल्कुल अच्छे से इन्जॉय करेंगे और एक्सप्लोर करने के लिए और अच्छा कुछ मिलेगा। तो ये था सफ़र आज का, पूरे दिन का। काफ़ी इन्जॉयमेंट किया, काफ़ी मज़ा आया। सोलो राइड बेस्ट राइड, अगर आप कम डिस्टेंस में जाते हैं तो सोलो राइड बेस्ट राइड है। आप आपके हिसाब से राइड कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा किसी का रुकना सुनना नहीं पड़ेगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया आज के दिन में। बस थोड़ा सा दुख इस बात का मुझे रह गया था कि जो रूपमती का महल रह गया था, और शायद एक दो छोटे पॉइंट्स और भी हैं, वो सारी चीज़ें समय नहीं था। और टाइम जिस प्रकार से मुझे पता चला कि 6 बजे सर यहाँ पे सभी जगह पे जितने भी महल है और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे ताला लग जाता, और वो स्टार्टिंग से मैं लेट था, 12:30-1 बजे ही समथिंग में निकला था अपने रूम से। तो कोई इशू नहीं, जितना मिला उसमें खुश रहना चाहिए और ज़िंदगी है ऐसी ही चलती रहेगी, और भी राइड्स आएंगी और भी जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर मेरी व्लॉग्स वगैरह पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स पे अगर कुछ चाहते हैं आप मुझसे तो प्लीज़ आप उसे भी मेंशन कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।